Good morning, children. Welcome to your Hindi class. Last week we have done chapter number 4, Munmun ka sapna, book reading, chapter explanation, difficult words, word meanings, difficult word matlab kathin shabd aur shabdarth, and book exercise. हमने इसकी book exercise भी कर ली थी. I hope आप सबने chapter घर पे अच्छे से read कर लिया होगा, book exercise भी अच्छी तरह सुंदर handwriting में कर ली होगी. Now, take out your pencil, eraser and notebook. Do the work in very good handwriting and very carefully. So, let's start the work in notebook. चलो तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 मुनमुन का सपना के प्रश्न उत्तर. लास्ट क्लास में हमने इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ किए थे. पार्ट 4, लीव अ लाइन, मुनमुन का सपना. Then you have to leave two lines. उसके बाद आपको दो lines छोड़नी है. फिर आप लिखेंगे प्रश्न उत्तर. Again leave two lines. प्रश्न नंबर 1, मुनमुन सुस्त और कमज़ोर क्यों होती जा रही थी. बच्चों आपने पाठ पढ़ा है ना, आपको पता है ना मुनमुन सुस्त और कमज़ोर क्यों होती जा रही थी. इसका उत्तर है, सही तरह से ना खाने के कारण मुनमुन सुस्त और कमज़ोर होती जा रही थी. मुनमुन ठीक तरह से नहीं खाती थी ना, वो अपना खाना कुत्तों को और पक्षियों को डाल देती थी, बत्तख को. इसी कारण क्या था, मुनमुन सुस्त और कमज़ोर होती जा रही थी. प्रश्न नंबर 2, मुनमुन को पीठ पर कौन उड़ा ले गया, कौन उड़ा कर लेके गया था बच्चों मुनमुन को पीठ पर. क्या कछुआ उड़ा कर लेके गया था, नहीं. फिर कौन उड़ा कर लेके गया था, ड्रैगन फ्लाई. कौन उड़ा कर ले गया था मुनमुन को, मुनमुन को पीठ पर ड्रैगन फ्लाई उड़ा ले गई थी. बच्चों ड्रैगन फ्लाई क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई एक इंसेक्ट होता है जिसके आपने देखा होगा बड़े बड़े पंख होते हैं. आपकी बुक में भी इसकी पिक्चर दी हुई है, ठीक है. प्रश्न नंबर 3, मुनमुन को सपने से क्या सीख मिली थी बच्चों मुनमुन को सपने से. मुनमुन को सपने से सीख मिली कि उसे काम करने के लिए ताकत चाहिए. क्या चाहिए थी बच्चों मुनमुन को, काम करने के लिए ताकत. और अगर वह ठीक से खाना नहीं खाती तो क्या उसको ताकत मिल पाती. तो उसने सपने से सीख ली कि उसको ताकत चाहिए, उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरह से पौष्टिक खाना खाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों. चलिए हम इनको रिवाइज कर लेते हैं. पार्ट 4, मुनमुन का सपना. प्रश्न उत्तर. प्रश्न नंबर 1, मुनमुन सुस्त और कमज़ोर. इधर आपको कमज़ोर में ज के नीचे डॉट जरूर लगानी है, वरना कमज़ोर बन जाएगा. क्या है, कमज़ोर क्यों होती जा रही थी. प्रश्न चिन्ह. उत्तर नंबर 1, सही तरह से न खाने के कारण मुनमुन सुस्त और कमज़ोर होती जा रही थी. ठीक है बच्चों, ठीक तरह से खाना खाना बहुत ज़रूरी है. आप सब भी ठीक तरह से खाना खाया कीजिए, नहीं तो आप भी मुनमुन की तरह सुस्त और कमज़ोर हो जाएंगे. आपको ताकत चाहिए पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, तो उसके लिए खाना खाना बहुत ही ज़रूरी है. मुनमुन को पीठ पर कौन उड़ा ले गया, ड के नीचे इधर डॉट आएगी. मुनमुन को पीठ पर ड्रैगन फ्लाई. ड्रैगन फ्लाई कैसे लिखना है आपको, ड के नीचे ये वाला र, एक ही मात्रा ग न आधा फ, ल आखिरी मात्रा ई, ड्रैगन फ्लाई. ठीक है, एक इंसेक्ट होता है ड्रैगन फ्लाई, उड़ा ले गई. ओके. पार्ट प्रश्न 3, मुनमुन को सपने से क्या सीख मिली. सीख मिलना मतलब लेसन मिलना, कोई शिक्षा मिलना. मुनमुन को सपने से सीख मिली कि उसे काम करने के लिए ताकत चाहिए. काम करने के लिए ताकत चाहिए. अब सपोज करो आपको अपने स्कूल का बैग उठाना है या कोई सामान उठाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको ताकत चाहिए ना. अगर आपके अंदर ताकत नहीं होगी तो क्या आप अपने स्कूल का बैग या कोई भारी सामान उठा पाएंगे, क्या आप बहुत देर तक डांस कर पाएंगे. आपके अंदर ताकत नहीं होगी तो आप थोड़ी दूर तक चल भी नहीं पाएंगे बच्चों. अगर आपके अंदर ताकत नहीं होगी, पावर नहीं होगी, एनर्जी, ये सब किससे मिलती है हमें, खाने से. खाना, पौष्टिक खाना खाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों. आपको प्रश्न उत्तर याद करने हैं और इनको सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है. ओके, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में.